हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज मैं जा रहा हूँ जंगली मशरूम घूमने, क्योंकि अब सीजन ख़त्म होने ही वाला है, थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो आज मैं दिखाऊंगा सब्जी कैसे बनाते हैं इसकी। और दूसरी बात ये कि जब तक आपको पता ना हो कि कौन सा जहर है इसमें, कौन से मशरूम में, तब तक खाने नहीं चाहिए, जब तक पूरी जानकारी ना हो। ये मशरूम पहले इसको ऐसे छीलना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है ऐसे, और नमक पानी में इसको धोना पड़ता है। मैं इसको धोता हूँ, आज इसकी सब्जी बना के आपको दिखाऊंगा। और ये है जब तक कि पता ना हो कि ये मशरूम है नहीं है, जब तक ये खाने नहीं चाहिए, जब तक अच्छे से जानकारी ना हो इस चीज़ की, क्योंकि इसी रंग का जैसे कि जहर भी आता है, उगता है जंगलों में, सेम कलर का, जब तक पहचान नहीं हो तो खाने नहीं चाहिए। दोस्तों आज मैं दिखाता हूँ आपको सब्जी बनाते हैं मशरूम की कैसे बनती है। और ये हमारी रसोई रसोई दिखाता हूँ मैं आपको। इधर हमारा गैस का है चूल्हा, ये पुरानी रसोई है गांव में जैसे होती है, नीचे हमारी गायें रहती हैं, डबल स्टोरी है। ये हमारा गैस का चूल्हा है, ऊपर बर्तन वगैरह रहते हैं। और ये हमारा चूल्हा लकड़ी वाला, इसमें दोनों चूल्हे हमारे, इसमें लकड़ी से खाना बनता है, लकड़ी में तो करते हैं। तो ये मैंने नमक पानी में धो दिए, इसको धो धा के ये हो गई। मैंने प्याज काट के, प्याज पहले फ्राई करके इसको फ्राई करेंगे, तो करते हैं इसको। पहले इसमें जीरा डाला, उसके बाद मोटा प्याज काट के, प्याज ब्राउन करना है इसमें। उसके बाद जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तब जाके इसमें डाल देंगे मशरूम। अपने स्वाद अनुसार आप मसाले एक एक चम्मच, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, और इसमें ज़्यादा गरम मसाला डालना है नहीं, क्योंकि पहले गरम होती है। अब डाल दिया हमने इसमें मसाला, आपने स्वाद अनुसार डालिए, गरम मसाला ज़्यादा डालना नहीं है इसमें। अभी भून चुकी है, पानी थोड़ा सा डालना है, 2 कप पानी, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। बहुत जल्दी जो है गल जाती है, तो अब इसमें डाल देते हैं पानी। बस बहुत है पानी। तो दोस्तों सब्जी बन के हो गई तैयार, ये क्या कलर आया इस पे, इसमें थोड़ा सा दूध भी डालना होता है, बहुत टेस्ट आ जाता है। वीडियो करते हैं समाप्त, और कैसे लगी वीडियो बताना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखना पूरी।